पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस सीपीआईएम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। देश में समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च हो रहा है। मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह की दुश्मनी के खिलाफ हूं। पश्चिम बंगाल में कभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। देश में समुदायों के बीच नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दरअसल सोमवार को कोलकाता में इमामों और मुअज्जिनों से मिलने पहुंची थी ममता बनर्जी। इस दौरान ममता ने कहा, राजनीति के साथ धर्म को ना मिलाएं, इससे धर्म ही कमजोर होगा। धर्म हमारे दिल और दिमाग में है। मैं फुरफुरा शरीफ का सम्मान करती हूं, लेकिन ये नहीं चाहती कि वे राजनीति में आए। उसी तरह ये नहीं चाहती कि बेलूर मठ राजनीति में आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वे मोची के घर तंबाकू खाएंगे और देखेंगे कि क्या जाति बदल जाती है। बेलूर मठ के अंदर दरगाह है, भाजपा क्या कहती है इस पर मैं कभी ध्यान नहीं देती। रमजान में जब मैंने रोजा रखा तो उन्होंने मेरी फोटो को लेकर मजाक बनाया। बीजेपी वाले तो मेरा नाम तक बदल चुके हैं। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से नहीं लड़ता। हिंदुओं ने दंगा शुरू नहीं किया, यही नहीं अल्पसंख्यकों ने ये शुरू नहीं किया। आप जानते हैं कि उन्होंने गेरुआ इस्तेमाल कर इस तरह के दंगे भड़काए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीपीएम और कांग्रेस दोनों से साठगांठ है। भाजपा ने कुछ साल पहले कहा था कि सबके लिए आधार जरूरी होगा, अगर आपके पास आधार नहीं होगा तो आप आतंकी कहलाएंगे। आज वे कह रहे हैं कि आधार मत बनवाइए क्योंकि इससे डेटा चोरी हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि फिर आप आधार क्यों लाए? मोदी जी अब 6 महीने ही कुर्सी पर रहेंगे, उन्हें हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, मैं बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।